नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर औरैया से आ रही है। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां बोलेरो ने खड़े ट्रक में टक्कर मारी है जिससे बोलेरो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो नोएडा से लखनऊ की तरफ जा रही थी। इरवा कटरा थाना क्षेत्र के एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। नोएडा में सेक्टर 25 में एलिवेटेड रोड पर हादसे में घायल लड़की को बचा लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसे सही सलामत नीचे उतारा है। एक गाड़ी ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी जिसके बाद वो एलिवेटेड रोड के पिलर पर गिरकर फंस गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक युवती जो नोएडा से गाज़ियाबाद की तरफ अपनी स्कूटी से जा रही थी और वो दुर्घटनावश उसकी जो स्कूटी थी उस दुर्घटनाग्रस्त हुई और वो जो युवती थी वो एलिवेटेड रोड के नीचे जो पिलर्स होते हैं पिलर्स के स्टॉपर पे आकर के बेस पर आकर के गिर गई और सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही अल्प सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। हमारी रेस्क्यू टीम आई, फायर की रेस्क्यू टीम आई, हम लोगों के द्वारा उस युवती को सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया है। एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया गया है। दो लोग और थे जो उसकी मदद के लिए वहां पर थे उनको भी हम लोगों के द्वारा उतार अस्पताल भिजवा दिया गया है और जो कार्यवाही है वो की जा रही है। रामपुर के एक प्राइमरी स्कूल में जहरीला सांप निकला है। स्कूल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। डर के मारे बच्चे स्कूल से बाहर भागे। सांप होने की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा है। स्वार ब्लॉक के बजावाला प्राइमरी स्कूल की यह घटना है। उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। सांसद साक्षी महाराज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने नाव में बैठकर बांगरमऊ इलाके का हाल जाना। बता दें कि गंगा नदी में उफान से उन्नाव की 4 तहसीलों के 60 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं और हजारों बीघा फसल पानी में डूब गई है। हरदोई में गंगा और रामगा नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। रामगा नदी के पानी में 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, रामगा और गर्रा नदी में आई बाढ़ से शाहबाद, सवाईजपुर और बिलग्राम तहसील के 68 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए डीएम, सांसद और विधायक बाढ़ग्रस्त पहुंचे। इन्होंने लोगों से सबकी समस्याओं की जानकारी ली और राहत किट बांटे। बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाने के पैकेट भी बांटे गए हैं। फिरोजाबाद में पिछले दिनों रुक रुक कर हुई बारिश ने सब्जी, मक्का और बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचाया। पानी भरने के कारण आलू की फसल पर काफी प्रभाव पड़ा है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आलू की फसल जल्दी लग जाएगी मगर किसानों की उम्मीद टूट गई। खेतों में बारिश का पानी भरने से पालक और धनिया भी खराब हो गया। किसान खेत में भरे पानी को निकालने में लगे हैं। किसानों ने बताया कि ज्यादा पानी बरसने के कारण मक्का और बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचा है। पानी बरसने से धान को फायदा है बस, बाद वहाँ की बाजरा है, मक्का है, तिलहन है, ये सब को नुकसान है। ये पानी ऐसा कितने बरसा? ये 20 साल के बाद ऐसा पानी बरसा, 20 साल पहले ऐसे बारिश होती। शाहजहांपुर के मिर्जापुर इलाके में गंगा की जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। गंगा के तटीय इलाकों के गाँव में पानी घुस गया है। स्टेट हाईवे पर पानी होने से नाव चलने लगी है और आवागमन बाधित हो गया है। रामगंगा नदी का पानी भी गांव के अंदर पहुंच चुका है। करीब एक दर्जन गांव टापू बने हुए हैं। लोगों की माने तो गांव में प्रशासन की ओर से मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को जरूरी दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर सड़क किनारे के गाँव में मेडिकल कैंप लगाकर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। हमारे गांव के चारों तरफ पानी भरा है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में पानी भरा है,
बहुत दिक्कत हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन ने अभी तक मदद पहुंचाई क्या है? नहीं अभी तक नहीं कोई। गांव में कैसे हालात है, चारों तरफ पानी है क्या है? पानी है चारों तरफ। कैसे निकलते रहते हो? पानी में घुस के आना पड़ता है, नवैया भी चलती है। गांव के हालात बहुत खराब है। हाँ बताओ। गांव के हालात बहुत खराब है। बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई। इसके मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला और दो बच्चे घायल हो गए। घायलों को मलबे से निकालकर जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए आयर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम खुर्जा घायल बच्चे को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गए। खुर्जा कोतवाली के मुणाकेड़ा गाँव में यह हादसा हुआ है। गाजियाबाद पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 106 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही एक ट्रक भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 55 लाख रुपए बताई जा रही है। मधुबन बापूधाम का मामला है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस के मुताबिक एक शातिर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इनके द्वारा जो है एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर की गिरफ्तारी मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके कब्जे से लगभग 106 किलो गांजा बरामद हुआ है और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए है, तथा जो तस्करी में प्रयुक्त आइसर कंटर गाड़ी थी वो भी बरामद हुई है। पूछताछ में जो अभियुक्त वीरेंद्र है, इसने बताया कि ये फिरोजाबाद का रहने वाला है तथा 10वीं तक पढ़ा हुआ है और मेनली ड्राइविंग का काम करता है। चूँकि फिरोजाबाद में कांच का काम है, तो कांच की सप्लाई ये जो है उड़ीसा से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश बाकी जनपदों में यूपी के करता था। गाजियाबाद में दोस्ती के लिए हत्या का मामला सामने आया। दोस्त की परेशानी देखते हुए दोस्त ने हत्या को अंजाम दे डाला। पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल दो कैदी डासना जेल में सजा काट रहे थे, इसी दौरान उनकी दोस्ती हो गई। जेल से छूटने के बाद वो अपने दोस्त के घर ही आकर रहने लगा। इसी दौरान उसके दोस्त को पड़ोसी से परेशान किया, तो उसने दोस्त के लिए उसके पड़ोसी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पास में ही जमीन में दफन कर दिया। पुलिस के काफी खोजबीन के बाद खुलासा किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहनाज को और जावेद गुलफाम को गिरफ्तार किया गया है। अन्य जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जो अन्य जो उसमें नामजद अभियुक्त है उनके बारे में छानबीन की। सर, जानना चाहूंगा आपसे कि मेहताब और जो गुलफाम है, इनकी मुलाकात कैसे हुई, किस तरीके से एक दूसरे को जानते थे? जैसा मैंने आपको बताया, लोग जेल में इनकी मुलाकात हुई थी। मेहताब चोरी के मामले में जेल में था और गुलफाम हत्या के मामले में। हमीरपुर में अब ओवर स्पीडिंग करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिले को पहली इंटरसेप्टर गाड़ी मिल गई है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ियों का चालान कटेगा, इससे हादसों में भी कमी आने की बात की जा रही है। हमीरपुर जिले की सड़कों पर जिन गाड़ी चालकों का कंट्रोल नहीं होगा, अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर ओवर स्पीडिंग करता पाया गया, अब उस पर शिकंजा कसने जा रहा है। शासन की तरफ से जिले को एक इंटरसेप्टर गाड़ी मिल गई है, जो ओवर स्पीड करने वाली गाड़ियों का चालान काटेगी। ये हमीरपुर जनपद को परिवहन विभाग द्वारा इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसका उद्देश्य ओवर स्पीडिंग करते हुए वाहनों का फोटो कैप्चर करना है, उनकी किस स्पीड पे जा रही है उसको काउंट करना है और उसके आधार पे चालान किया जाना है। तो इस वाहन का हम लोग प्रयोग NH-34 पे, जैसा कि हम लोग अभी NH-34 पर खड़े हैं, ये सर्वाधिक ब्लैक स्पॉट्स हमारे जनपद के इसी एनएच पे हैं। इस इंटरसेप्टर गाड़ी को रोज हाईवे और नगर के चौराहों पर खड़ा किया जाएगा। ज्यादातर सड़क हादसे तेज रफ्तार की वजह से ही होते हैं। ऐसे में ये इंटरसेप्टर गाड़ी ऑटोमेटिक तरीके से ओवर स्पीड करने पर चालान काट देगी। इस इंटरसेप्टर गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें रडार लगा है, जो 500 मीटर की दूरी से आने वाली गाड़ियों की स्पीड को पकड़ लेता है, उसका नंबर प्रिंट कर लेता है, जिनसे बच पाना बेहद ही मुश्किल है। इतना ही नहीं, 4-लेन हाईवे पर 80 और एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड होने पर ये ऑटोमेटिक तरीके से चालान काट देती है। हमीरपुर में ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। इसके साथ ही सैकड़ों चालान किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। सड़कों पर गाड़ियों की तेज रफ्तार के साथ ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख दिया जाता है,
लेकिन अब कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग नया तरीका अख्तियार कर चुका है, जो आने वाले समय में कारगर साबित हो सकता है। इससे हादसों में अंकुश लगने की बात कही जा रही है। हमीरपुर से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई है। कार में सवार शख्स ने कूदकर जान बचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड के टीम को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात में संदिग्ध अदालत में गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 7 मजदूर झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल से कानपुर के लिए रेफर किया गया है। आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना रनिया इलाके में यह आग लगी है। घटना की जानकारी मिलने पर DMSP समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग लगने के बाद मजदूरों के परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया। परिजनों ने 4 से 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई है, लेकिन DM ने इससे इनकार किया है। आरोप के मुताबिक फैक्ट्री ने फायर के मानक पूरे नहीं किए थे। और जो भी और उसकी कार्रवाई होगी और जो लोग जिन हताहत हुए हैं उनको जो भी हमारे पास शासन के द्वारा जो दी जाती हैं अनुग्रह राशि वगैरह, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। घायलों में 7 लोग का हमारे पास डिटेल है, वो हमारे हॉस्पिटल्स में है, उनका इलाज प्रॉपर हो रहा है। थैंक यू। कानपुर के शिवराजपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। इसमें ट्रैक पर रेलवे सिलेंडर रखा गया था, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद से क्राइम ब्रांच, रेलवे, ATS, STF, खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर सूत्रों की माने तो यहां के मुंडेरी गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी मोबाइल के डिटेल लिए जा रहे हैं। 12 से अधिक गांव के लगभग 10,000 मोबाइल का डाटा इकट्ठा किया गया है। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की साजिश करने वाले साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए जहां एक और पुलिस ATS, NIA तो वहीं DCP की टीम भी लगी। अगर पुलिस के सूत्रों की माने तो 350 से ज़्यादा पुलिस कर्मी लगे, जिसमें LIO की टीम भी मौजूद है। अब तक मुंडेरा गांव के रेडियस के 10 किलोमीटर के अंतर्गत पड़ने वाले 1,000 से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर लिया गया। 100 से ज़्यादा संदिग्धों से अभी तक पूछताछ की गई है। 28 पुलिस के रडार पर है और पुलिस ने 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की कुंडली खंगाल ली है। कानपुर से लेके कन्नौज और कन्नौज से लेके फरुखाबाद तक पुलिस की टीम ने डेरा डाला हुआ है और कानपुर के 60 से ज़्यादा होटलों में जिस दिन घटना हुई उनके ठहरने वाले गेस्ट की एक सूची भी तैयार की। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द पुलिस साजिशकर्ताओं तक पहुंच सकती है और ऐसे में अब देखना ही होगा पुलिस उन तक कब और कैसे पहुंचती है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई। इसके मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों को मलबे से निकालकर जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे SDM खुर्जा घायल बच्चे को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गए। खुर्जा कोतवाली के मुंडा केड़ा गांव में यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर से एक अवार छत गिरने से 3 लोग वहां पर घायल हो गए। महिला की हालत गंभीर है, 1 महिला और 2 बच्चे घायल हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के बख्तावरपुर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक परिवार के बीच लाठी डंडे और पत्थर चले। परिवार के दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कर ली है। दोनों पक्षों से अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मारपीट और बवाल का CCTV फुटेज भी सामने आया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद से जुड़े मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित पोस्ट किया है।
उन्होंने कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने की घटना ने मंदिर के व्यवस्थापक संत महंत पंडे पुजारियों की मिली भगत की पोल खोल दी है, क्योंकि प्रसाद या प्रसाद के लिए लाए गए सामान बिना उनकी सहमति के मंदिर परिसर में आ नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्माचार्य पंडे पुजारी और संत महंत ने भक्तों को ही नहीं बल्कि अपने तथाकथित भगवान को भी धोखा दिया है। इससे भी साफ हो गया है तथाकथित हिंदू धर्म का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इस धर्म के ठेकेदार ही हैं। उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों और उनके सहयोगी पार्टियों की सरकारें केंद्र और प्रदेशों में हैं। खबर जालौन से है, जहां पर दीवार के मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। रामपुर थाना क्षेत्र के लड़ाऊ गांव की यह घटना है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। बिजनौर में डॉक्टर के घर के बाहर खड़े वाहन की हवा निकाल रही पुलिस की कारतूस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके बाद पीड़ित के एसपी के सीयूजी नंबर पर सीसीटीवी फुटेज भेजकर शिकायत की है। मामला विदुरकुटी मार्ग स्थित विदुर नगर का है, जहां डॉक्टर ने गाड़ी को घर के बाहर पार्क किया हुआ था। वहीं एसपी ने डॉक्टर को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। महिला की 5 दिन पहले डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। डॉक्टर ने महिला के जहर खाए होने की बात कही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके नाक और मुंह से उसमें जो दुर्गंध थी वो एक इंसेक्टिसाइड की थी, इसकी वजह से संदेह हुआ और बॉडी को मार्चरी में रखने के लिए कहा गया। लेकिन उनके परिजनों ने काफी ज्यादा झगड़ा लड़ाई यहाँ पे की और बॉडी को लेकर के चले गए यहाँ से। रेखा देवी नाम है मरीज का और ये दरगाह थाने क्षेत्र में है गांव इसका। पॉइजनिंग का मामला बाद में कन्फर्म हुआ है जब उसके मुंह से झाग निकला, तो 100 लेके गए हैं, 100 जबरदस्ती झगड़ा करके। भारत हमेशा से विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और यहाँ की पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं से प्रभावित होते हैं। ऐसे में विदेशी भी अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण के लिए ऋषिकेश आ रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। भारतीय आध्यात्म और दर्शन विदेशियों को हमेशा आकर्षित करता रहता है। ऐसे में पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण के लिए विदेशी भी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई अमेरिकी नागरिक रश्मि, जो भारतीय मूल की है, जो भारतीय परंपरा और पारिवारिक मूल्यों के प्रति विशेष लगाव रखती है। रश्मि अपने पति के साथ ऋषिकेश पहुंची, जहां पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण किया। नहीं, मेरे ससुराल वालों का पिंडदान बाकी था, श्राद्ध उनका हुआ नहीं था, तो अभी इस पितृपक्ष में आना हुआ तो लगे हाथों वो भी करवा लिया। और ज़रूरी होता है, मतलब एक संस्कार होता है, तो हम कहते हैं ना स्टार्स अलाइन होते हैं, तो वो संस्कार भी पूरा हो गया। त्रिवेणी संगम पर पिंडदान और तर्पण करवा रहे तीर्थ पुरोहित का कहना है कि हमारी संस्कृति और आध्यात्म को विदेशी बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण कर रहे हैं और ये एक वसुदेव कुटुंबकम का संदेश है। तो मैंने इनको बताया कि आजकल श्राद्ध पक्ष का समय है और ये हमारे जो पितृ होते हैं, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, वो आते हैं धरती पे, आप उनके लिए पिंडदान तर्पण करवाइए। इन लोगों को अच्छा लगा, इन लोगों ने बड़े भाव से पिंडदान तर्पण किया। भारतीय योग और आध्यात्म पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में यहाँ की परंपराओं और पूर्वजों के प्रति सम्मान की परंपरा विदेशियों को भी पारिवारिक मूल्यों से जोड़ रही है। न्यूज 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।